हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल सिविल इन्फॉर्मेशन में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले वीडियो के अंदर बुलपेड के बारे में। तो बुलपेड सीलिंग के अंदर हम बुलपेड लगाते तो वो किस तरीके से लगाते और क्यों लगाना पड़ता है, वो आज हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो के अंदर बने रहिए और बुलपेट को कैसे हम क्रिएट करते हैं वो भी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए। तो आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि बुलपेट हमने ये सब हमारे बुलपेट है, क्योंकि तो हमने उसका सिक्स फीट के डिस्टेंस में हमने सब जगह लगाया है। और वो हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा जहाँ जहाँ किचन, बाथरूम, जहाँ जहाँ हमारा टाइल्स लगता है वहाँ पर हमें यह बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सीलिंग में अक्सर जगह नहीं लगाते, लेकिन जहाँ हमारा टाइल्स होता है उसका वहाँ पर तो हमें 100% लगाना ही चाहिए, ताकि हमारा जब प्लास्टर होगा वो स्लैब सीलिंग के ऊपर तो वो हमारा लेवल में होगा, तो जो हमारा प्लास्टर और टाइल्स होगा उसके बीच में गैप नहीं रहेगी और वो एकदम लेवल में टाइल्स हमारी लगेगी। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बने रहिए। आगे हम आपको बताते हैं हम ये बुलपेट किस तरीके से हम लगाते हैं, क्या करते हैं वो हम बताने वाले हैं। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। और पहले तो आपने ये बुलपेट पूरे देख ही लिए होंगे तो कैसे हमने बुलपेट लगाए हैं। और अब बात करेंगे हम ये रूम का जब प्लास्टर करते वो बुलपेट हम कैसे लगाते हैं। तो गाइस, वो वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं हमारे चैनल पे, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिंक दे देंगे, आप वो भी वीडियो जाकर देख लें। तो चलिए गाइस, अब आप देख सकते हैं हम बुलपेट कैसे क्रिएट करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम एक मार्क करेंगे हमारा, वे 400 mm 500 mm हम एक मार्क करेंगे। वहाँ से हमें कौन सा लेवल इजीली मिलता है, कहाँ लेवल कम है, कहाँ ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम क्रिएट करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर हम वहाँ से लेवल करेंगे, उसका लेवल हम यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो लेवल मिलेगा वो हम देखेंगे, ऐसे हम चारों कॉर्नर पे सब जगह हम ऐसे लेवल करके देखेंगे कहाँ माल ज़्यादा आता है, कहाँ कम आता है। तो जहाँ हमारा कम से कम माल आता है वो लेवल हमें घुमाना है सब जगह। सबसे पहले हमें मार्क करना है, मार्क करके हमें 400-500 पे हमारा सीलिंग पे वो रखना होता है। हम चारों तरफ ऐसे हम बुलपेट लगा देंगे ऐसे लेवल करके, तो हमारा सीलिंग भी लेवल में आएगा, हमारा टाइल्स लगेगा वो भी, हमारा उसका टॉप होगा वो बहुत अच्छा दिखेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइल्स के वक्त। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूले।